खेलो इंडिया से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश में पहली बार यूथ गेम्स खेलो एमपी का आयोजन किया जा रहा है। आज से खेलो एमपी की शुरुआत हो रही है। रीवा संभाग के खिलाड़ियों ने भी खेलो एमपी में प्रदर्शन के लिए काफी तैयारियां की हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के उपसंचालक एमके धौलपुरी बताते हैं कि खेलो एमपी के तहत होने वाले खेलों का आयोजन प्रदेश के सभी 52 जिलों में 3 चरणों में कराया जाएगा। खेलो एमपी का आयोजन जिला संभाग और राज्य स्तर पर होगा। एमपी यूथ गेम में 18 खेलों को शामिल किया गया है। एमपी में पहली बार शुरू होने वाली ये प्रतियोगिता 11 सितंबर से शुरू हो गई है। उपसंचालक एमके धौलपुरी ने बताया कि एमपी यूथ गेम्स में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, मलखम्ब, शूटिंग, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस, योगासन, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, कायाकिंग, केनोइंग, रोइंग, फेंसिंग, तीरंदाजी, शतरंज और टेनिस जैसे खेल जाएंगे। रीवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद खेलों के मामले में एक नई पहचान मिली है। यह कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों को पसंद आ रही है। खेलो एमपी के तहत कबड्डी जैसे गेम का प्रदेश स्तरीय मुकाबला रीवा में कराया जाएगा। इससे खेलो एमपी के तहत रीवा को खेल प्रतियोगिताओं का मेजबानी करने का मौका भी मिलेगा। आपने सुना होगा अभी बीच में मध्य प्रदेश ने बहुत ही सक्सेसफुली खेलो इंडिया नेशनल गेम्स का आयोजन किया था पिछले 4 महीने पहले। अब उसी तर्ज पे हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि खेलो एमपी का आयोजन भी होगा, तो उसी के तर्ज पे खेलो एमपी का आयोजन होना है। उसकी तैयारी हमारी पूरी चल रही है। हमने ब्लॉक लेवल पे सिलेक्शंस करके बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको कॉम्पिटिशन के लिए बुलाएंगे। ये ब्लॉक लेवल पे 11 से 13 सितंबर तक चलेगा और फिर 15 सितंबर से 18 सितंबर तक जिला स्तर पे आयोजन होगा। इसमें फिर संभाग लेवल का भी यहाँ पे आयोजन होगा, वो संभाग लेवल का आयोजन होगा 20 से 23 तक, और फिर राज्य का भी आयोजन इसी एरिना में कबड्डी के लिए होगा, वो 24 25 26 27 28 तक 4 दिन के लिए आयोजन होगा। इनमें 18 खेलों का निर्धारण किया गया है और 18 खेलों में मुख्य रूप से एथलेटिक्स है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, ताइक्वांडो है और मलखम्ब है, योगा है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, ऐसे कुल 18 खेल। इसमें कंपटीशन जो है किन किन उनके बीच होगा, कहाँ कहाँ के? ये पूरे 8 विकास 9 विकास खंड की पहले टीम आएगी, उनका आपस में मैचेस और टूर्नामेंट खेले जाएंगे, वो जिले के लिए सिलेक्ट होंगे। फिर जिला स्तरीय जब होगा तो उसमें हमारे रीवा संभाग के जो जिले हैं सीधी सिंगरौली और सतना और इंक्लूडिंग रीवा जिला, वो इसमें भाग लेगा। उसके बाद संभाग लेवल से विजेता जो होगी, जो टीमें विजेता होगी, इंडिविजुअल मैचेस होंगे, वो विजेता खिलाड़ी राज्य स्तर पे जाएंगे। राज्य स्तर भी शिवपुरी में एथलेटिक्स होगा, उज्जैन में मलखम और योगासन होगा, इंदौर में बास्केटबॉल और टेबल टेनिस होगा, भोपाल में फुटबॉल होगी और जूडो होगा, फुटबॉल होगा, और उसके बाद में ग्वालियर में बैडमिंटन और हॉकी होगी। ऐसे अलग अलग टीमों यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद में बच्चे इस मूवमेंट करेंगे। कब से कब तक चलेगा यहाँ, कब से कब तक चलेगा और ऑल ओवर एमपी? ऑल ओवर एमपी में आई थिंक मैंने जो बताया, जो डेट्स बताई है, मतलब हम लोग लगभग 11 सितंबर से इसको चालू करेंगे और 28 से 30 अक्टूबर तक सभी गेम्स हो जाएंगे। रीवा में सेम डेट रहेगी, वो पूरे एमपी का डेट कैलेंडर है ये लगभग।